एक बार इस तरीके से मोमोज बनाए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दो की जगह चार खाओगे, और साथ ही में देखेंगे मोमोज की एकदम बढ़िया चटनी। मोमोज की ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले हम मोमोज का स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की दो पत्ता गोभी ली है। अभी जो बड़े छेद वाला ग्रेटर आता है, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको इसे ग्रेट नहीं करना तो आप इसे एकदम बारीक काट भी सकते हो। पत्ता गोभी की जगह इसे आप लौकी से भी बना सकते हो। देखिए, तो इस प्रकार इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो इसी प्रकार मैं दोनों पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लूंगा। अभी पत्ता गोभी के बाद मैंने एक गाजर ली है, तो गाजर को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। अभी गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। प्याज के साथ ही इसमें हम बारीक कटा शिमला मिर्च भी ले सकते हो। अभी इसमें हम हाफ टी स्पून नमक मिलाएंगे। अभी हाथों से सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी नमक डालने के बाद 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो पत्ता गोभी, गाजर और प्याज है उसका पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसे भी हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे एक पतला कपड़ा ले लिया है। ये जो सब्जियां थी जिसके ऊपर हमने नमक डाल के रखा था, तो इसे हम इस कपड़े में निकाल लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसकी हम पोटली बना लेंगे, और इसे भी हम दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप देख सकते हो इसका पानी बहुत ही आसानी से निकल रहा है। तो जितना हो सके उतना पानी आपको इस प्रकार दबाते हुए निकाल लेना है। ये पानी अच्छे से निकालना बहुत ही जरूरी है, तभी जो मोमोज है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अभी ये जो पानी निकला है उसका इस्तेमाल आप सूप बनाने में या फिर रोटी का आटा वगैरह में भी कर सकते हो। अभी ये जो सब्जियां है इसे कपड़े में से एक बॉल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है, ये एकदम ड्राई तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे मैंने आधा कप पनीर लिया है जिसे कद्दूकस करके रखा है, तो वो मिला देंगे। पनीर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं पनीर भी डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे, साथ ही में 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून कटा हुआ लहसुन मिलाना है। अभी इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना हरा धनिया मिलाएंगे, इसकी जगह पे आप हरा प्याज भी ले सकते हो। साथ ही में 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मिलानी है, और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक हमने पहले भी सब्जियों में मिलाया था, तो यहाँ पे हम उस हिसाब से मिलाएंगे। और आखिर में इसमें हम 1 टेबल स्पून मक्खन मिलाएंगे। मक्खन आप जरूर डालिएगा, इससे मोमो का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हाथों से इसे इस प्रकार मिलाने के बाद इसमें इस प्रकार का बाइंडिंग जैसा होना चाहिए, ये देखिए। तो अभी स्टफिंग एकदम परफेक्ट है। अभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। अभी मोमोज के लिए हम आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इसमें तेल मिलाना है। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसका आटा लगाएंगे। तो हमने जो सब्जियों का पानी निकाल के रखा था वो ही मैं इसमें मिला रहा हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। ये जो सब्जियां वाला पानी है वो लेके आप जब भी मोमोज का आटा लगाते हो, मोमोज का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो आटा लगेगा उसे हमें मीडियम सख्त रखना है, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो इस प्रकार मीडियम सख्त आटा लगा लेना है। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमने जो सब्जियां वाला पानी था वो मिला के आटा लगाया है। अभी इसे हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही मसल लेंगे, और अभी हम आटे को ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अभी मोमोज के लिए हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर में इस प्रकार मैंने 2 स्लिट लगा लिए हैं। इसी के साथ 12 से 15 लाल मिर्च लेनी है, जो सूखी लाल मिर्च आती है मैंने वही ली है। अभी हम इसे ढक देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबालेंगे, या तो फिर इसे तब तक उबालना है जब तक ये जो टमाटर की आउटर स्किन है वो हल्की सी निकल ना जाए। अभी इसे उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो जो टमाटर का छिलका है वो निकलने की सूरत हो गई है। तो अभी गैस के आंच को हम बंद कर देंगे। अब ये जो टमाटर और मिर्ची है इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये जो टमाटर की स्किन है यानी कि इसका जो छिलका है वो हमें निकाल लेना है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार सभी टमाटर का जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे। अभी इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसे पीस लेंगे। इसे आपको गरम गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना है, पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेना है। ये देखिए, तो टमाटर और मिर्ची को भी अच्छे से पीस लिया है।
अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी हम एक वॉक पे 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी तेल गर्म हो गया, इसमें 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक मिलाएंगे। इसी के साथ 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन मिलाना है। अदरक और लहसुन को एक बार चला लेंगे। जब इसका कच्चापन चला जाए तब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून चीनी मिलाएंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये जो चटनी है इसे हमें मीडियम आंच पर अच्छे से पकाना है। ये थोड़ी गाढ़ी हो जानी चाहिए और इस पर एकदम बढ़िया शाइनिंग आ जानी चाहिए। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। अभी चटनी को पकते हुए ऑलमोस्ट 7 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हो इसके ऊपर शाइनिंग आ गई है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इस पर हम 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस मिलाएंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप मिलाना है। 1/2 टीस्पून विनेगर मिलाना है। स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। हमने जो सारे सॉसेज मिले हैं उसमें भी नमक रहता है तो नमक हम उस हिसाब से मिलाएंगे। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अभी इसे मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। इसके ऊपर तेल छूट जाना चाहिए। अभी आप देखिए चटनी एकदम बढ़िया गाढ़ी हो गई है, एकदम अच्छे से इस पर तेल भी निकलने की सूरत हो गई है। तो अभी ये तैयार है। गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। अभी हमने जो आटा लगा के रखा था उसकी मैंने छोटी लुइया कर ली है तो इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें थोड़ा पतला बेलना है। आउटर लेयर जितना पतला होगा उतने ही मोमोज खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसे इस प्रकार आपको बेल लेना है। आप देख सकते हो इसे मैंने पतला रखा है। अभी हमने जो स्टफिंग बना के रखा था वो बीच में रखेंगे। अभी इसका जो शेप है मैं बिल्कुल बेसिक रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्दी से बन जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो जो मोदक का शेप होता है वही बनाएंगे। तो एक के बाद एक प्लेट्स आपको इस प्रकार ज्वाइंट करते जाना है। ऊपर से इसे इस प्रकार दबा देना है। जो बाकी का हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए तो इस प्रकार बेसिक शेप वाले हम मोमोज तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो इस प्रकार मैंने सभी मोमोज तैयार कर लिए हैं। जब भी आप बहुत सारे मोमोज तैयार करते हो तो इसके ऊपर आपको इस प्रकार गीला कपड़ा ढक के रखना है ताकि ऊपर से बिल्कुल भी ना सूखे। अभी हम मोमोज को स्टीम करेंगे। अभी मोमोज स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इस प्रकार जो छेद वाली प्लेट आती है आपको वो लेनी है और वो रख देनी है। इसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ये जो हमने मोमोज तैयार किए वो इस पर रख देंगे। अभी इसे हम ढक देंगे। अभी इसे हम ढक के 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, मोमोज को हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो मोमोज बहुत अच्छे से फूल गए हैं और एकदम बढ़िया तैयार हुए हैं। तो अभी गैस की आंच को बंद कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने मेल्टेड मक्खन लिया है वो इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है लेकिन मैं हमेशा ये करता हूँ, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हो एकदम ये ट्रांसपेरेंट तैयार हुए हैं। और आखिर में इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। ये लीजिए तैयार है मोमोज एंड चटनी। मैं आशा करता हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी एक मस्त रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।